वीडियो देख रहे हैं। खंडर में इसलिए तब्दील हो गई कि नमाज मेन तो सबसे बड़ी बात है कि नमाज नहीं हुई। जब नमाज नहीं हुई, नमाजी नहीं आए तो देखभाल भी नहीं हो पाई कायदे से, और देखभाल नहीं हुई सबसे बड़ा तो ये मसला है कि पेड़ है, यहाँ पे पेड़ देख रहे हैं पूरा छाया हुआ है। इतना बनवाया गया, इतना करवाया गया, ये तो बाउंड्री उन्डी हमारे अब्बू की देन है कि मतलब ये बाउंड्री गेट फेट, नहीं तो यहाँ पे तो ये सामने वाले टंकी पंकी पखाने की बनवाने लगे, उसी टाइम ये बवाल उठा था, उसके बाद तो ये बाउंड्री साउंड्री। ये तो मस्जिद का बहुत लंबी ज़मीन है, यहाँ तक कि पूरा यहाँ पे कुआँ भी है, सब जो नक्शे में दिखा रहा है वो सब तो बहुत लंबी ज़मीन है, तो सब छेक गई है, तो इतनी सी बची है। तो लगभग 200 साल पुरानी ये मस्जिद है, और इस मस्जिद के सामने एक मकान है जिसमें हीरा लाल जी रहते हैं। ये मकान भी उसी तवायफ के पूर्वजों का था, लेकिन तवायफ के वजह से इस मस्जिद के अंदर कोई भी नमाज नहीं पढ़ा, क्योंकि तवायफ का जो पैसा होता है वो नाजायज़ पैसा होता है, और इसी वजह से मुसलमानों ने इसका बायकाट किया, और नाजायज़ पैसे के वजह से इसमें कभी नमाज नहीं पढ़ा। आज ये दुर्दशा जो इस मस्जिद की है, ये यहाँ हमारे लोगों की कमी है, हम लोग इसकी देखभाल नहीं कर सकते। जब से हम इसको देख रहे हैं, बचपन से इस मस्जिद को मैं देख रहा हूँ, तब से ये इसी खंडहर के रूप में है। क्यों खंडहर मस्जिद में क्यों नमाज नहीं हुई? जैसा हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये मस्जिद जो है तवायफ का बनवाया हुआ था, और इसमें आज तक नमाज नहीं हुआ है।